वेलकम बैक टू माई चैनल सेल्फ स्टडी टुडे वी विल लर्न अबाउट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस डिसीजन मेकिंग क्या होता है सबसे पहले हम ये देखते हैं डिसीजन मेकिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग चॉइसेस बाय आइडेंटिफाइंग अ डिसीजन डिसीजन मेकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम खूब सारी चॉइसेस होती है हमारे पास लेकिन हम सिर्फ एक चूज करते हैं गैदरिंग इंफॉर्मेशन एंड असेसिंग ऑल्टरनेटिव रेजोल्यूशन उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं एंड ऑल्टरनेट रेजोल्यूशन के बारे में भी सोचते हैं एक एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ डिसीजन मेकिंग क्या होता है फॉर एग्जांपल अगर हमको कहीं फंक्शन पार्टी में जाना है तो हमारे पास खूब सारे कपड़े होते हैं लेकिन उसमें से भी हम डिसाइड करते हैं कि हमको कौन से कपड़े पहनने हैं तो ये हो गया हमारा डे टू डे लाइफ का एग्जाम्पल डिसीजन मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में भी होती है हमारी डे टू डे लाइफ में भी होती है सेवन स्टेप्स होते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जिसके थ्रू डिसीजन मेकिंग होती है बाय यूजिंग स्टेप बाय स्टेप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैन हेल्प यू मेक मोर डेलीबरेट थॉटफुल डिसीजंस बाय ऑर्गेनाइजिंग रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन एंड डिफाइनिंग ऑल्टरनेटिवस डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस के थ्रू हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स तक पहुँचने में इजी रहता है एंड थॉटफुल डिसीजन कर पाते हैं हम सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाई द डिसीजन यू दैट यू नीड टू मेक अ डिसीजन हमको जिस प्रॉब्लम के बारे में डिसाइड करना है उसके बारे में हम डिसाइड करते हैं एंड हमको एक डिसीजन लेना होता है कि हमको ये रियलाइज़ होता है ट्राई टू क्लियरली डिफाइन द नेचर ऑफ द डिसीजन यू मस्ट मेक जिस भी जिस भी चीज़ के कारण हम डिसीज़न लेने वाले होते हैं को हम क्लियरली डिफाइन करते हैं एंड जब बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप ही है अब हमें पता लग गया कि हमें किस बारे में डिसीजन लेना है अब हम उस के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं सेकंड पॉइंट है गैदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन वंस यू हैव आइडेंटिफाइड योर डिसीज़न अब हमने को डिसीजन के बारे में आइडेंटिफाई पता चल गया है कि हमको इस बारे में डिसाइड करना है इट्स टाइम टू गैदर द इंफॉर्मेशन रेलिवेंट टू दैट चॉइस अब हम जिस बारे में भी डिसीजन लेने वाले हैं उसके बारे में हम जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हम सारी निकालेंगे डू एन इंटरनल असेसमेंट सींग वेयर योर ऑर्गेनाइजेशन हैज सक्सीड एंड फेलियर इन एरियाज पूरा डीपली रिसर्च करेंगे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या बेहतर है और किस एरिया में हमारी ऑर्गेनाइजेशन सक्सीड हो रही है किस एरिया में हमारी ऑर्गेनाइजेशन फेल हो रही है वो तो भी हम डिसीजन लेने वाले हैं ऑल्सो सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज हम एक्सटर्नल रिसोर्सेज की भी हेल्प लेते हैं फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग रिसर्च बुक्स स्टडी एंड पेड कंसल्टेंट सबसे बड़ी चीज है आजकल सोशल मीडिया सोशल मीडिया पे सब कुछ अवेलेबल है गूगल की भी हम हेल्प ले सकते हैं इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए हो गया आपका सेकंड पॉइंट अब थर्ड पॉइंट है आइडेंटिफाई द अल्टरनेटिव्स अब हमने इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट कर ली अब हम देखेंगे किस-किस तरीके से हम इस चीज को कर सकते हैं यू विल प्रोबेबली आइडेंटिफाई सेवरल पॉसिबल पाथ्स ऑफ एक्शन और अल्टरनेटिव्स हर चीज को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं तो अब हम इसमें इजीएस्ट वे देखेंगे जो भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेहतर यू कैन ऑल्सो यूज योर इमेजिनेशन एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन टू कंस्ट्रक्ट अ न्यू ऑल्टरनेटिवस हम इमेजिनेशन का भी यूज़ कर सकते हैं आपकी माइंड में सोच सकते हैं कि अगर ऐसे करेंगे तो ये होगा ऐसे करेंगे तो ये होगा ये काफ़ी हेल्प करेगा हमको डिसीजन लेने में अब है वेट ऑफ एविडेंस वेट ऑफ एविडेंस मीन्स हाउ बिलीवेबल और कन्विंसिंग एविडेंस रेदर देन हाउ मच ऑफ इट इज देयर मीन्स जितनी भी इंफॉर्मेशन हमने अभी तक गैदर करी है कितनी सही है और कितनी गलत है इसका मतलब ये है वंस यू हैव आइडेंटिफाई मल्टीपल alternatives, वे द एविडेंस फॉर और अगेंस्ट सेड alternatives, सी वट कंपनीज हैव डन इन पास्ट टू एंड सक्सीड इन दिस एरियाज जो भी हम डिसीजन लेने वाले हैं जितने भी हमने इंफॉर्मेशन गैदर करी है जितने भी हमने ऑल्टरनेटिव ऑप्शन देखे हैं कंपनी ने पास्ट में अगर जो सेम चीज करी है तो कितना सक्सीड हुई है उन सब के बारे में देखेंगे और कितना कंपनी के लिए फ़ायदा होगा उसके बारे में भी देखेंगे आइडेंटिफाई पोटेंशियल पिटफॉल्स फॉर ईच ऑफ योर ऑल्टरनेटिवस एंड वे दोज अगेंस्ट द पॉसिबल रिवॉर्ड्स मतलब हम अच्छे से अच्छा भी सोचेंगे जो भी हम डिसीजन लेने वाले हैं कि वो हमारी कंपनी के लिए अच्छा होगा और हम बुरे से बुरा भी सोचेंगे कि अगर ऐसा होगा तो हम किस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं या फिर कितना बुरा हो सकता है जो भी हम डिसीजन लेने वाले हैं अब है चूज अमंग अमंगटिवस अभी तक हमने सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदर करी हमने ये सोचा कि क्या सही होगा कंपनी के लिए क्या गलत होगा अब यहाँ पे हम एक्चुअल डिसीज़न लेंगे चूज अमंग अमंग्स हेयर इज़ द पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस वेयर यू एक्चुअली मेक द डिसीजन होपफुली यू हैव आइडेंटिफाइड एंड क्लैरिफाइड वट इज़ डिसीजन नीड टू बी मेड गैदर्ड ऑल्ड इन्फॉर्मेशन एंड डेवलप्ड एंड कंसिडर्ड द पोटेंशियल पाथ टू टेक जो भी हमने ऑल्टरनेटिव ऑप्शन देखे हैं उसके बिहाव पर हम डिसीजन लेंगे जो भी हमारी कंपनी के लिए बेहतर होगा अब टेक एक्शन अब आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा यहाँ पे अब हमको एक्शन लेना है अभी तक हमने सिर्फ इंफॉर्मेशन ली सोचा कैसे करेंगे क्या करेंगे क्या कंपनी के लिए बेटर होगा अब हम यहाँ पर एक्शन लेंगे डेवलप अ प्रोजेक्ट प्लान रिलेटेड टू योर डिसीजन एंड देन असाइन टास्क टू योर टीम हम एक प्लान प्रोजेक्ट करेंगे किस तरीके से होगा इम्प्लीमेंट कैसे होगा एंड देन फिर हम अपनी इम्प्लीमेंट टीम को असाइन करेंगे टास्क अब लास्ट पॉइंट है रिव्यू यू और डिसीजन अब हमने जो भी डिसीजन लिया है हम उसको एक बार दोबारा से अच्छे से रिसर्च करेंगे अपनी टीम के साथ ताकि जो भी हम डिसीज़न लेने वाले हैं इम्प्लीमेंट करने वाले हैं एक्शन लेने वाले हैं वो हमारी कंपनी के लिए बेहतर हो अगर कुछ नई इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है तो हम वो भी लेंगे अभी यहाँ पर अपनी कंपनी के साथ ताकि हमको आगे चल कर कोई प्रॉब्लम ना आए चेंजेस करने होंगे तो वो भी करेंगे यहाँ पे ताकि हम अपनी कंपनी के टारगेट्स इजीली पूरा कर पाए तो ये हो गया डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस किस तरीके से डिसीज़न मेकिंग होता है प्रोसेस क्या है उसका ये सिर्फ सेवन स्टेप्स हैं सबसे पहले आइडेंटिफाई करना इंफॉर्मेशन गैदर करना ऑल्टरनेटिव ढूंढना उसका एविडेंस देखना सही है नहीं है एंड चूज अमंग अमंग्टरनेटिव उसके डिफरेंट ऑप्शन देखना कि हम किस तरीके से ईजिएस्ट वे में कर सकते हैं दैन फिर हम एक्शन लेते हैं और फिर अपनी टीम के साथ दोबारा एक बार रिव्यू करते हैं ताकि हमारा डिसीजन सही हो कंपनी के लिए इफ़ यू लाइक दिस वीडियो का नी सब्सक्राइब द चैनल सेल्फ स्टडी थैंक यू सो मच